दोस्तों अगर आप भी शुभमन गिल को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों शुभमन गिल की शतकीय पारी देख अंजलि तेंदुलकर ने कहा कुछ ऐसा जिसने जीत लिया सभी का दिल। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम टेस्ट के तीसरे दिन शुभमन गिल ने शतकीय पारी खेलकर हर किसी को अपना दीवाना बना लिया है। इसी बीच सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि तेंदुलकर ने गिल के तूफानी प्रदर्शन को देखकर दिल जीत लेने वाला बयान जारी किया है, जिसको देखकर आपकी भी आंखें फटी फटी रह जाएंगी। तो आखिरकार अंजलि तेंदुलकर ने शुभमन गिल के तूफानी प्रदर्शन को देखकर क्या कहा है तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है शुभमन गिल, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर में से कौन है बेहतरीन बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल का शानदार फॉर्म जारी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट में उन्होंने 128 रन की शानदार पारी खेली। गिल के शतक के चलते टीम इंडिया इस मैच में बेहतर स्थिति में पहुंच गई है। शुभमन गिल के लिए साल 2023 शानदार रहा है, वह इस साल 5 शतक लगा चुके हैं। हालांकि इसकी झलक 2022 में भी मिल चुकी थी जब उन्होंने अपने करियर का पहला शतक लगाया था। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंतिम मुकाबले में गिल ने अपना तूफानी प्रदर्शन कर दिया है। गिल ने अपनी तूफानी प्रदर्शन से हर किसी को हैरान कर दिया। इस बीच गिल ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 90 गेंदों पर अपना अर्धशतक लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने 194 गेंदों का उपयोग करते हुए अपना दूसरा टेस्ट शतक लगाया, जो भारतीय सरजमी पर उनका पहला टेस्ट शतक था। और गिल ने अपना दूसरा ही टेस्ट मुकाबला भारतीय सरजमी पर खेलते हुए शतक लगा दिया है। शुभमन गिल ने 235 गेंदों पर 12 चौके 1 छक्के की मदद से 128 रन की पारी खेली और अपना विकेट लाइन की गेंद पर LBW आउट होकर दे दिया। ऐसे में उनके तूफानी प्रदर्शन को देखकर सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि तेंदुलकर का दिल जीत लेने वाला बयान सामने आया है, जिसमें अंजलि तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा है कि शुभमन गिल ने इस मुकाबले में बेहतरीन पारी खेलकर दिखा दिया है। आने वाले समय में उनसे बेहतर बल्लेबाज पूरी दुनिया में कोई भी नहीं रहने वाला। शुभमन गिल ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से हर किसी को हैरान किया है और सबसे ज्यादा प्रभावित उन्होंने मुझे किया है, क्योंकि मुझे भारतीय टीम के प्रदर्शन पर हमेशा नाज रहता है, लेकिन मैं हमेशा से सोचती थी कि किस प्रकार से भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मजबूत शुरुआत करेगी, और उसका सीधा साधा उदाहरण शुभमन गिल ने दे दिया है। गिल ने बेहतरीन पारी खेलकर दिखा दिया है कि क्योंकि उनको तीनों फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन प्लेयर माना जाता है। शुभमन गिल की बल्लेबाजी को देखकर हर कोई उनका दीवाना बन गया और मैं भी उनकी बल्लेबाजी से काफी ज्यादा प्रभावित हो गई हूँ। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि शुभमन गिल ने 2022 से भारतीय क्रिकेट की पूरी दशा बदल कर रख दी है, जहाँ पर उन्होंने तीनों फॉर्मेट में छक्के और चौकों की बारिश करते हुए लगातार अपने क्लास के दम पर भारत के लिए मुकाबले जिता दिए हैं। शुभमन गिल ने तीनों फॉर्मेट में रन बनाए और अब परफेक्ट ओपनर के तौर पर भारतीय टीम में जगह बना ली है, जिसके दम पर हम कह सकते हैं कि भारतीय टीम और सलामी बल्लेबाज के रूप में सबसे ज्यादा मजबूत हो चुकी है। इसके अलावा उन्होंने अंत में यह भी कहा कि अब गिल के आ जाने से राहुल की मुसीबतें बढ़ गई हैं और अब राहुल की किसी भी परिस्थिति में खेलने का मौका नहीं मिलेगा। मुझे उम्मीद है शुभमन गिल इसी अंदाज से आगे भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे और भारत को जीत दिलाने का काम करेंगे। तो दोस्तों गिल की शतकीय पारी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।